सर्दियों का मौसम जितना अच्छा लगता है ना, उतनी ही बुरी लगती हैं वो बीमारियां जो सर्दियों के साथ आ जाती हैं। तो क्या इन बीमारियों से बचने का कोई नुस्खा है? अजी बिल्कुल है ना, मेरा नहीं नानी का, दादी का, अम्मा का नुस्खा। और वो क्या है? बस रोज सुबह एक गोंद का लड्डू। तो समझ गए ना आप, सर्दियों के लिए खास आज गोंद के लड्डू बन रहे हैं। वो नानी दादी कहती थी ना कि रोज सुबह एक गोंद का लड्डू खा के स्कूल जाओ भाई, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए आइडियल है ये। तो आज परफेक्ट मेजरमेंट्स और ढेर सारे टिप्स के साथ बनाएंगे गोंद का लड्डू, ताकि आपके हाथ में भी आ सके वो नानी और दादी के हाथ का जादू। फिर क्या कहते हैं, शुरू करें? ना केवल सर्दी खांसी जुकाम से बचाता है ये, बल्कि आपके शरीर को गर्मी भी देता है। और जानते हैं कैल्शियम का एक बहुत रिच सोर्स होता है, जिसकी वजह से हड्डियां भी मजबूत रहती हैं। तो पहली टिप नोट कर लीजिए आप, जो ये कहती है कि इस गोंद को कम से कम एक दिन के लिए आप धूप जरूर दिखा दीजिए, ताकि इसमें अगर हल्का सा भी मॉइस्चर होना वो निकल जाए। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये गोंद जब आप इसे फ्राई करेंगे तो अच्छे से फूलेगी। और दूसरा, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें जितनी गंदगी है इसे बीन करके हम निकाल लेंगे। तो जैसे मैंने आपसे कहा था, ये लड्डू बनेंगे आज परफेक्ट मेजरमेंट्स यानी परफेक्ट माप के साथ। अच्छा, घर में यूजुअली हमारे पास वो वेइंग स्केल्स या तराजू तो होता नहीं है। हाँ, एक कप जरूर होता है या कटोरी जरूर होती है। तो उसी मेजरिंग कप या कटोरी को आज हम स्टैंडर्ड लेके चलेंगे और इसी से सब चीजों को नापेंगे। तो पहला, एक कप ले लूंगी मैं यहां पर गोंद। मेजरमेंट के हिसाब से ये 200 ग्राम गोंद है मेरे पास। अब जितनी मैंने गोंद ली है ना, उसका 3 गुना मैं आटा लूंगी। ये रेसिपी वो है जो मेरी दादी फॉलो करती थी। हो सकता है कि आप डबल आटा या 4 गुना आटा की रेसिपी फॉलो करते हो, बट बिलीव मी, मैंने इस रेसिपी के साथ रिजल्ट्स एक्सीलेंट देखे हैं, इसीलिए ये रेसिपी यूज करती हूँ। इसी के साथ साथ पिसी हुई चीनी भी। अब पिसी हुई चीनी कितनी? देखिए, मैं इस्तेमाल करती हूँ 3 कप आटा में 1.5 कप पिसी हुई चीनी। आप चाहें तो इसे गुड़ के पाउडर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हमारे पास तो रेडी हो गए। अब इसके बाद इसमें ऐड किए जाते हैं ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स। आपके पास घर में जो भी ड्राई फ्रूट्स हो, आप वो ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अगर आपके पास ये ड्राई फ्रूट्स ना हो, घर में चिरौंजी, किशमिश और केवल नारियल हो, तो आप उससे भी ये लड्डू बहुत अच्छे से बना सकते हैं। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसमें और जाता है, जो देता है इन लड्डुओं को वो एक बड़ा ही सौंधा सा फ्लेवर। क्या है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो तो आगे जाके आपको बताऊंगी। लेकिन हाँ, देसी घी। देसी घी में बनते हैं ये लड्डू। और इसी के साथ साथ एक और चीज, मखाने। ये मखाने भी ऐड करेंगे हम अपने लड्डुओं में। तो सारी तैयारी तो हो गई, लेकिन हाँ, एक स्पाइस यानी कि मसाला भी ऐड किया जाता है इन लड्डुओं में, टू हेल्प यू फाइट कफ एंड कोल्ड, सर्दी को दूर भगाने के लिए। अगर आप जानते हैं कि वो मसाला कौन सा है तो जल्दी से कमेंट्स में मुझे लिख के बता दीजिए। फिर शुरू करते हैं हम अपने लड्डू बनाना। और उसके लिए सबसे पहले चढ़ाते हैं यहाँ पर एक कढ़ाई। कढ़ाई में लूंगी मैं केवल 1 चम्मच देसी घी, और इस 1 चम्मच देसी घी में पहले अपने सारे ड्राई फ्रूट्स को लाइटली फ्राई करके निकाल लूंगी। मैंने अभी इसमें सिर्फ बादाम, पिस्ता और काजू लिए हैं, किशमिश नहीं डाली है, क्योंकि किशमिश एकदम से जल जाएगी। और इसी वजह से मैंने इसमें ये कसा हुआ नारियल भी नहीं ऐड किया, ये भी जल्दी जल जाता है। इसलिए जैसे ही काजू गोल्डन हो जाएगा और इसी के साथ ये बादाम चटकने लग जाएगा ना, इसे हम अपनी प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। अब इसमें ये किशमिश को हम फ्राई करके निकाल लेंगे। ध्यान बस इस बात का देना रहता है कि ये जो ड्राई फ्रूट है ना, पहले हल्का गोल्डन होने में तो लगाते हैं थोड़ा समय, लेकिन 30 सेकंड में गोल्डन से काले भी हो जाते हैं। इसलिए जैसे ही इनमें लाइट सा कलर आए,
आप इन्हें तुरंत निकाल लीजिए। ये किशमिश भी मैंने फ्राई कर ली। अब इसमें मखाने तल के निकाल लेंगे। मखाने ये सारा का सारा बचा हुआ घी जो है ना उसे अब्सॉर्ब कर लेंगे और आप नोटिस करेंगे कि ये थोड़ा सा श्रिंक भी कर जाएंगे। जब ऐसा हो जाएगा हल्का सा गोल्डन कलर भी आ जाएगा तो इन मखानों को भी हम निकाल लेंगे। अब इस पैन में जितनी बची हुई हीट है ना उसमें इस कोकोनट को भी हम लाइटली टोस्ट करके निकाल लेंगे बिना घी के, क्योंकि गर्म होने पे ये कोकोनट अपने आप तेल छोड़ेगा। इसलिए तो देखा आपने, एक चम्मच घी में ये सारा काम हो गया। अब हम फ्राई करेंगे अपने गोंद को, और इसके लिए पहले मैं अपनी कढ़ाई में ले लूंगी 4 चम्मच घी। अब इस घी को होने देंगे हम मीडियम हॉट, ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा। क्यों? नहीं तो आपकी गोंद अच्छे से फूलेगी नहीं। बहुत तेज गर्म होगा ना तो गोंद बाहर से जल जाएगी, अंदर तक पकेगी नहीं, और अगर बहुत ठंडा होगा तेल तो ये बिल्कुल भी नहीं फूलेगी। इसीलिए मीडियम हॉट कर लेंगे और पहले एक गोंद का टुकड़ा इसमें ऐड करके चेक कर लेंगे। अगर वो एकदम से फूल जाता है बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरीके से तो हमारा घी रेडी है। ये देखिए, ये गोंद फूल गई ना, इसीलिए अब मैं इसमें अपनी बाकी की गोंद को फ्राई कर सकती हूँ। वाकई गला खराब है मेरा। लेकिन यही आती है आपकी टिप नंबर 2 ऑफ द डे, जो ये कहती है कि सारी की सारी गोंद को कभी भी इकट्ठे फ्राई नहीं करेंगे, इसे हम बैचेस में फ्राई करेंगे, यानी कि 1/4 कप एट वन टाइम। जैसे ही ये हल्की सी गोल्डन हुई और अच्छे से सारी की सारी गोंद फूल गई ना, हम इसे बाहर निकाल लेंगे। लाल नहीं होने देंगे, नहीं तो गोंद जल जाएगी। फिर से एक बार घी को मीडियम हॉट होने देंगे और वंस अगेन 1/4 कप यानी कि 1/4 कप गोंद हम इसमें फिर से ऐड कर देंगे। तो ड्राई फ्रूट्स भी डन और हमारी गोंद भी रेडी। अब इन ड्राई फ्रूट्स को तो मिक्सी में पीस करके मैं इनका एक फाइन पाउडर बना लूंगी, लेकिन इस गोंद को नहीं पीसेंगे, इस गोंद को केवल हम क्रश कर लेंगे। ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो टेक्सचर मुंह में आता है ना लड्डुओं में, वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपके बच्चों को या बड़ों को ये टेक्सचर ना अच्छा लगे तो आप गोंद को इन्हीं ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्सी में पीस भी सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली अगर आप चाहें तो इन ड्राई फ्रूट्स को पीसने की जगह फाइनली चॉप करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले गोंद को क्रश कर लेते हैं। किसी भी कटोरी, बेलन या फिर ऐसे पोटैटो मैशर के हेल्प से आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये इसलिए आसानी से क्रश हो पाए क्योंकि ये अंदर तक अच्छे से पकी हुई थी। अब ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको मैं मिक्सी में पीस लूंगी। इन ड्राई फ्रूट्स को भी फाइन पाउडर नहीं किया है मैंने, इन्हें बस कोर्सली क्रश कर लिया है। देखिए कुछ ऐसे। याद है ना आपसे कहा था कि इन लड्डुओं को एक सोंधा सा टेस्ट देने के लिए इसमें ऐड करूंगी मैं एक और इंग्रेडिएंट, और वो इंग्रेडिएंट जानते क्या है? वो इंग्रेडिएंट है बेसन। अब अपनी कढ़ाई में मैं लूंगी 1.5 चम्मच घी और इसमें 3 टेबलस्पून बेसन मैं ऐड करूंगी, यानी फॉर एवरी कप ऑफ आटा मैं इसमें 1 टेबलस्पून बेसन ऐड करूंगी। अब इस बेसन को हम भून लेंगे जब तक ये गोल्डन और फ्रेग्रेंट नहीं हो जाता। अब बेसन हमको कौन सा लेना है? बेसन हमको मोटा बेसन लेना है। और अब नोटिस करेंगे कि पहले तो ये बेसन सारा का सारा घी अब्सॉर्ब कर लेगा और जब ये अच्छे से भून जाएगा तो ये सारा घी वापस छोड़ देगा, कुछ इस तरीके से। अब इस बेसन को भी हम अपनी थाली में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में लेंगे हम 1/4 कप घी और 3 कप आटा और इस आटे को भी अच्छे से भून लेंगे जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाता।
अब यही नोट कर लीजिए आप अपनी नेक्स्ट टिप ऑफ द डे, जो ये कहती है कि इस काम को भाई बहुत धीमी धीमी आंच पे करना है, तेज आंच पे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमको आटे को भूनना है, जलाना थोड़ी ना है, है ना। अब ये देखिए, ये हमारा आटा अच्छे से भून चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसी के साथ साथ एक बढ़िया सी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम गैस को कर देंगे बंद और इस आटे को भी निकाल लेंगे। रुकिए रुकिए रुकिए, याद है आपसे कहा था इसमें एक मसाला भी जाता है, और अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए वो मसाला कौन सा है। मैं बता देती हूँ, वो मसाला है ये सौंठ का पाउडर, यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर, सूखे हुए अदरक का पाउडर। इसे डालने से क्या होगा, ये गोंद के जो लड्डू है ना, ये सर्दी खांसी से लड़ने में भी हमारी मदद करेंगे, क्योंकि सौंठ का असर शरीर पर गर्म होता है इसलिए। अब यही नोट कर लीजिए अगली टिप ऑफ द डे, जो ये कहती है कि इस गर्मा गर्म आटे में चीनी हम कभी भी नहीं मिलाएंगे, थोड़ा सा आटा जो है उसे ठंडा हो जाने देंगे तब इसमें चीनी मिलाएंगे। क्यों, नहीं तो क्या होगा, चीनी पानी छोड़ देगी। इसीलिए इसका टेम्परेचर कम करने के लिए पहले हम इसमें ये गोंद और सारे ड्राई फ्रूट्स का मसाला मिला लेते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करके अब ऐड करेंगे हम इसमें चीनी। वजन के हिसाब से देखा जाए तो ये हुई 300 ग्राम पिसी हुई चीनी, 200 ग्राम हमने लिया था इसमें गोंद, 300 ग्राम ली हमने इसमें चीनी, और आटा लिया हमने इसमें 375 ग्राम। अब इसे हाथों से आप मिक्स कर सकते हैं, इतना ठंडा ये अभी हो चुका होगा। बस इमीडिएटली हम इसके लड्डू बांधने शुरू कर देंगे, और अगर आपको लड्डू बांधने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए तो आप इसमें 1 टेबलस्पून पिघला हुआ घी और ऐड कर सकते हैं। मेरे ये लड्डू ना ठीक से बंध नहीं पा रहे हैं, थोड़ा बिखर जा रहे हैं, इसीलिए मैं 2 चम्मच घी मेल्ट करके इसमें ऊपर से और ऐड कर दे रही हूँ। लैक्टेटिंग मदर्स को या मदर्स जो ब्रेस्ट फीड कर रही होती हैं उनको गोंद के लड्डू स्पेशली बना करके दिए जाते हैं। जानते हैं क्यों, देखिए एक तो ये कारण है कि इसमें कैल्शियम बहुत होता है, जिसकी वजह से जो माँ के शरीर से कैल्शियम लीच आउट होता है उसकी भरपाई हो जाती है, और दूसरा ये इम्यूनिटी बढ़ाता है जिससे माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहते हैं, और इसी के साथ साथ मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है। और भी बहुत सारे फायदे हैं भाई गोंद के, इसीलिए तो नानी दादी सुबह सुबह हाथ में एक लड्डू दे देती थी और कहती थी खा पुत्र खा, गोंद में बड़ी ताकत होती है। तो उसी ताकत के साथ हम भी बना ले रहे हैं गोंद के लड्डू और इन्हें बांध करके रख लेंगे। हाँ एक चीज और, अगर लड्डू बांधते बांधते आपका मिक्सचर ठंडा हो जाए और लड्डू बनना थोड़ा सा डिफिकल्ट होने लगे ना, तो इस मिक्सचर को बस थोड़ा सा आप कढ़ाई में वापस डाल के गर्म कर लीजिएगा, हल्का सा गुनगुना, और फिर देखिएगा आपके लड्डू जो हैं फिर से आसानी से बनने लग जाएंगे। ये देखिए कितने नरम मुलायम है ये लड्डू। तो लीजिए भाई, हो गए हमारे गोंद के लड्डू तैयार। बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, बूढ़ों को खिलाइए, खुद भी खाइए और पूरी सर्दी भर सेहत बनाइए।